सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की एक लौते टेस्ट सीरीज की, जहां पर दोस्तों बात करेंगे भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कौन से दो बल्लेबाज कर सकते हैं। दोस्तों भारत ने जो है मुरली विजय को भी लिया है, शिखर धवन को भी लिया है और KL राहुल को भी लिया है अपने स्क्वाड में। तो दोस्तों ऐसे में जो है दिक्कत हो सकती है कि भारतीय टीम कौन से दो बल्लेबाजों से ओपनिंग कराया जाए। सबसे पहले बात करें मुरली विजय की, तो दोस्तों मुरली विजय को जो है भारतीय टीम ओपनिंग से ड्रॉप नहीं कर सकती है, क्योंकि मुरली विजय का जो रिकॉर्ड है ओपनिंग में वो दोस्तों काफी अच्छा चल रहा है। वहीं बात करें शिखर धवन की, तो दोस्तों शिखर धवन का भी रिकॉर्ड अच्छा है ओपनिंग में, और जो मुरली विजय और धवन की जोड़ी है टेस्ट मैच में वो भी दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो दोस्तों ऐसे में जो है अब बात कर लेते हैं KL राहुल की। दोस्तों KL राहुल का जो फॉर्म था हाल ही में IPL में, तो दोस्तों ऐसे में जो है KL राहुल को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना मेरे हिसाब से जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि KL राहुल को जो है प्लेइंग 11 में जगह पक्की तौर पे मिलने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ओपनिंग पे आ सकते हैं मुरली विजय और शिखर धवन, क्योंकि ये दोनों का रिकॉर्ड और जो परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं बात करें KL राहुल की, तो दोस्तों KL राहुल जो है वो विराट कोहली के नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि जो विराट कोहली है वो इस सीरीज़ में नहीं खेलने वाले हैं, तो जो KL राहुल है वो नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे आएंगे चेतेश्वर पुजारा और नंबर 5 पे खेलने के लिए आएंगे कप्तान अजिंक्य रहाणे। दोस्तों भले ही जो है भारतीय टीम ने 3 ओपनर्स को बुलाया है, राहुल, विजय और धवन, ये तीनों बल्लेबाजों में से भारतीय टीम किसी भी बल्लेबाज को ड्रॉप नहीं करेगी, चाहे जो KL राहुल है वो नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। राहुल का जो फॉर्म था हाल ही में IPL में वो दोस्तों सबसे बढ़िया चल रहा था, जिसके चलते जो है KL राहुल को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरे हिसाब से भारतीय ओपनिंग पेयर और मिडल ऑर्डर। आपके हिसाब से कौन से दो बल्लेबाज कर सकते हैं ओपनिंग और क्या KL राहुल खेलेंगे प्लेइंग 11 में? अपने सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।